बचाओ आवाज। एक काम करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर से पहले भी बल्कि एक और चीज करते हैं। दो फॉर्मूले जो तुम्हें पता होने चाहिए, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ किरचॉफ्स इक्वेशन हाँ, ये रिएक्शंस के लिए होती है बच्चों, इट इज फॉर रिएक्शन। गाइस हमें डेल्टा एच निकालना आता है, बॉन एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, हैस लॉ से भी निकाल सकते हैं। वो जो डेल्टा एच है और नॉट अगर है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। सपोजिंग तुम्हें डेल्टा एच वैल्यू पता है एट टेम्परेचर 298 केल्विन, और हमें पूछा गया है डेल्टा एच एट 398 केल्विन फॉर द सेम रिएक्शन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टू। समझ आ रहा है बच्चों? हमने जो डेल्टा एच निकाला वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे निकाला। अब हमें उसी रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा गया है एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, तो वी हैव गॉट अ फॉर्मूला फॉर दैट। फॉर्मूला बीइंग डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा सी पी T2 माइनस T1। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द फर्स्ट वन। डेल्टा सी पी क्या है? दिस इज योर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रॉड्स माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा सी पी जैसे डेल्टा एन जी था वैसे ही डेल्टा सी पी है। ठीक है गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं डेल्टा सी पी का। N2+3H2 गिविंग 2NH3। तो यहाँ पे जो डेल्टा सी पी है वो क्या होगा बच्चों? 2 टाइम्स CP ऑफ NH3, प्रोड्स का सी पी माइनस रिएक्टेंट का सी पी। सी पी ऑफ N2+3 टाइम्स CP ऑफ H2। कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? मतलब हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा सी। हाँ है ना? बोलो बेटा, क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई? अब जैसे हमने डेल्टा एच रिएक्शन है, डेल्टा यू रिएक्शन भी हो सकता है। तो डेल्टा यू एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा यू एट टेम्परेचर T1। हाँ बेटा, हीट कैपेसिटी करेक्ट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ले रहे। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला ले रहे हैं T2-T1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस वाज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस वाज हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा सी वी भी उसी पैटर्न पे चलेगा जिसमें डेल्टा सी पी चला था, प्रॉड्स माइनस रिएक्ट। उनकी सी वी वैल्यू सी वी ऑफ प्रॉड्स माइनस सी वी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इसके ऊपर JEE 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे। याद अलग है, लैंग्वेज ऐसी थी कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ सकते। लैंग्वेज इतनी खराब थी, रिलेट ही नहीं हो पा रहा था कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या लगेगा। डिस्कस विल डिस्कस दैट क्वेश्चन जब आएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी ये समझ में आ गया नहीं आ गया ये जो मैंने लिखा है? ये दो फॉर्मूले, दीज टू फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई ये चीज? अब आते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। पहली चीज, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहां पे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने एक फिक्स कंटेनर लिया, फिक्स कंटेनर का मतलब है उसके अंदर की जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है गाइस? अब बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो यूज होता है, इट इज यूज टू फाइंड डेल्टा एच कंबशन। डेल्टा एच कंबशन निकालने के काम आता, मतलब किसी चीज को जला दिया, हीट रिलीज इन दैट रिएक्शन, वो निकालने के काम आता। कैसे निकल के आता है उसे समझो। हम एक कैलोरी मीटर उठाएंगे, बॉम कैलोरी मीटर। उसमें क्या है बेटा? ये कंटेनर है, दिस इज अ कैलोरी मीटर सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास
कंपाउंड है जिसे हम जलाने वाले हैं, एंड सफिशियंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सफिशियंट फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ कंपाउंड। ये कैलोरीमीटर सिस्टम है हमारा, यही है। इसके अंदर हमारा कंपाउंड होगा जो कि ज्यादा गैस फेज वाला होगा, ठीक है ना बच्चों। नॉर्मली हाइड्रोकार्बन वगैरह ले रहे होते हैं हम इसमें, और ऑक्सीजन है उसके अंदर, हम उसे ऑक्सीजन में कंपाउंड को जलाएंगे। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने एक थर्मोमीटर गाड़ दिया अंदर, टू नोट द इनसाइड टेम्परेचर हमने एक थर्मोमीटर गाड़ दिया, सो दैट वी कैन मेजर द टेम्परेचर जो राइज आ रहा है बेस। एक और चीज, हीट जो भी है वो अंदर ही है, बाहर नहीं निकल पा रही, समझ आ रहा है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हीट विल गो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ना ऐसा नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ बाहर हीट नहीं जा पा रही, क्लियर है गाइस। जो भी हीट निकली ड्यूरिंग द कम्बशन प्रोसेस वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देगी, लेकिन वो हीट बाहर सराउंडिंग में एस्केप नहीं कर पाए। इट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड। वो इनसाइड में क्या क्या होगा, CO2, H2O, मे बी ऑक्सीजन लेफ्ट आउट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एंड द इनसाइड वॉल। बेटा हीट जो रिलीज होगी वो अंदर का तो टेम्परेचर रेज करेगी ना, जो हीट अंदर रिलीज हुई जब कम्बशन हुआ था, हीट रिलीज, इट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है। CO2 हो गया, H2O लिक्विड हो गया, नॉर्मली अगर टेम्परेचर बोल लिया है हमने तो 298 वगैरह, प्लस योर इनसाइड ऑफ द कंटेनर का टेम्परेचर द होल राइज करेगा। और उस चीजों से, उस जो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उससे हमें निकालना है डेल्टा एच कम्बशन, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन उठा के 0.16 ग्राम। बच्चों गलतियों की बहुत जगह होते हैं जहां पे तुम गलती कर सकते हो, तो हर एक को हम एलिमिनेट करते जाएंगे। 0.16 ग्राम CH4 दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा था 298 केल्विन, हमने उसको जला दिया इन सफिशियंट ऑक्सीजन के, CH4 पूरा बर्न हो गया, टेम्परेचर राइज कितने का आया, राइज बाय लिखा हुआ है हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस, इतने का राइज आया। नेक्स्ट हमें थर्मल कैपेसिटी दे रखी है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितनी दे रखी है बच्चों, 5 किलो जूल पर केल्विन। हमें पूछा गया है हीट ऑफ कंबशन, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हीट ऑफ कंबशन, पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक समझ आया नहीं आया, यह हमें पूछा गया है। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक तरीके से हमें डेल्टा यू पूछा गया है कंबशन रिएक्शन के लिए। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों। हीट ऑफ कंबशन का मतलब है क्यू, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू रिएक्शन, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्शन, ये दोनों चीजें पूछी गई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, कंबशन रिएक्शन पूछा गया है, जो हीट रिलीज हुई वो कितने से रिलीज हुई, 0.16 ग्राम से। जो हीट रिलीज हुई वो 0.16 ग्राम CH4 ने रिलीज करी। हमें पूछा गया है फॉर द कंबशन रिएक्शन, डेल्टा एच फॉर कंबशन रिएक्शन। कंबशन होता है जब एक मोल बर्न होता है, यू डोंट नो दैट, जो कंबशन होता है दैट इज एज पर 1 मोल ऑफ रिएक्टर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये जो थर्मल कैपेसिटी ये दे रखा है कैलोरीमीटर सिस्टम का, द एंटायर सिस्टम, हमें बेसिकली ये कह रखा है 1 केल्विन से टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, 5 किलो जूल। थर्मल कैपेसिटी पढ़ो, दैट इज सी। थर्मल कैपेसिटी का बेसिकली मतलब क्या हो गया, सी बच्चों। हमें कह रखा है कि 1 केल्विन से टेम्परेचर रेज करने के लिए वी रिक्वायर हाउ मच हीट, 5 किलो जूल। गुड, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, क्या तुम्हें ये दिख रहा है डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन, फॉर विच रिएक्शन बच्चों, कंबशन रिएक्शन। इट विल बी
5 × 0.5 बच्चों, क्लियर है ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब यहां पे एक चीज तुम मिस कर गए, मैंने बताई नहीं, तुम मिस कर गए। पहली चीज अंडरस्टैंड करिए, 5 × 0.5 समझ आ गया भाई? 1 केल्विन के लिए तुम्हें 5 किलो जूल हीट दे, मतलब रिलीज होती है, तब तुम्हारा, जब 5 किलो जूल हीट रिलीज होती है तब तुम्हारा राइज आता है 1 केल्विन का। तो 0.5 के लिए कितनी हीट हमने दी होगी? 5 × 0.5। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। हाँ बेटा, डज नॉट मैटर बेटा, क्योंकि डेल्टा डी ले, डेल्टा डी चाहे तुम केल्विन में लो या सेल्सियस में लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। डेल्टा डी इन केल्विन और सेल्सियस मेक्स नो डिफरेंस। मतलब तो यहाँ पे तुम कहोगे 298 और 298.5, डिफरेंस तो 0.5 ही आया। क्लियर है गाइस? ये फॉर्मूला समझ आया हमने क्या यूज किया है? सी डेल्टा डी, वेयर सी वॉज द हीट कैपेसिटी। किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे? किसी को भी डाउट नहीं है? एक काम कीजिए जो तुम मिस आउट कर गए बेटा, कंबशन रिएक्शन है ये जो हीट रिलीज हुई है, मतलब दिस इज बेसिकली द हीट विच द कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब, राइट? कैलोरीमीटर ने हीट एब्जॉर्ब कर, लेकिन रिएक्शन में वो जो हीट है क्या वो हीट एब्जॉर्ब है या रिलीज है? कैलोरीमीटर सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी, बट द रिएक्शन के लिए हीट इवॉल्व है ना बच्चों, तो बेटा नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक, यू हैव टू पुट अप अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ। पहली गलती कि तुम्हें डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा यू जो तुमने निकाला, सी डेल्टा डी लगाया, बट यू डिड नॉट पुट अप अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ। नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे गलती होगी। क्लियर है गाइस? गुड। ये कितना आया? -2.5 किलो जूल। क्या ये डेल्टा यू कंवर्शन है या डेल्टा यू फॉर अ जनरल रिएक्शन है? पहले ये बताओ, ये कंवर्शन नहीं है? ये कंवर्शन होता तो 1 मोल ऑफ CH4 के लिए होता है। ये कितने से रिलीज हो रही है? 0.01 6, 0.16/16। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द हीट रिलीज बाय 0.01 मोल ऑफ CH4। इसीलिए मैंने यहाँ पे यू आर लिखा है, ना कि यू सी। सी इज फॉर कंबशन रिएक्शन। तो डेल्टा यू फॉर कंबशन रिएक्शन क्या होगा? हम कहेंगे ये हीट तो रिलीज हो रही थी 0.16 ग्राम से, तो 1 मोल से कितनी रिलीज होगी? इतनी रिलीज होगी या नहीं होगी बच्चों? बोलो गाइस। पहली चीज समझ आई नहीं आई जो मैंने अभी लिखा है? अब मैंने इसको डेल्टा यू कंबशन रिएक्शन लिख दिया, मतलब हमारा पहला पार्ट आ हो गया, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी आर डन हो गया। क्लियर है गाइस? डेल्टा यू कंबशन हमारा निकल के आ गया। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? वेरी नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डेल्टा एच फॉर कंबशन रिएक्शन। ये क्या होता है बच्चों? डेल्टा यू कंबशन प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हाँ है ना यार? रिएक्शन लिख लूँ मैं, CH4+O2 गिविंग CO2+H2। बैलेंस करके देखो, ये बैलेंसिंग आई, CH4 गैस, O2 गैस, CO2 गैस और H2O क्या बेटा? लिक्विड। ठीक है गाइस? अच्छा एक चीज और, मैं मान के चल रहा हूँ हमें स्टैंडर्ड हीट पूछी गई, या तो टेम्परेचर स्पेसिफाइड होगा कि टेम्परेचर 300 पे बताओ डेल्टा एच कंबशन क्या है। टेम्परेचर 300 केल्विन पे फाइंड आउट डेल्टा एच कंबशन। तो यहाँ पे हम टी क्या उठाएंगे? इन दैट केस 300। डेल्टा एच कंबशन पूछेंगे 300 केल्विन पे, हम यहाँ पे टी 300 उठा लें, या फिर नॉट लगा होगा। नॉट का मतलब है हम टेम्परेचर क्या उठाएंगे? 298 केल्विन। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है फाइंड डेल्टा एच एट 300 केल्विन, तो हम मतलब कोई टेम्परेचर स्पेसिफाइड है वो टेम्परेचर उठा लो, नॉट है तो 298 उठा लो। क्लियर है गाइस? अब बच्चों पहले मुझे ये बताओ, ये जो डेल्टा एच कंबशन है, जो डेल्टा यू कंबशन है, ये हमारा किसके लिए निकल के आया था? कंबशन इज फॉर 1 मोल, और ये बैलेंस हमने किसके हिसाब से किया है? 1 मोल के हिसाब से ही बैलेंस किया है, नहीं किया है? 1 मोल CH4 के हिसाब से बैलेंस किया हमने इक्वेशन। क्लियर है गाइस? तो डेल्टा एच कंबशन क्या होगा बच्चों? डेल्टा यू कंबशन हो जाएगा -250 प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी
ये बेटा इक्वेशन को एक चीज याद रखना, हमें बैलेंस ऐसे करना है कि 1 मोल CH4 के हिसाब से हो, क्योंकि कंबशन रिएक्शन लिख रहे हैं, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा यू भी हमने 1 मोल के हिसाब से सॉल्व किया था, हाँ है ना। जो डेल्टा यू था वहां पे हमने क्या कहा था कि 0.01 मोल से 2.5 हीट रिलीज हो रही है, तो एक से कितनी रिलीज होगी, मतलब ₹1 करना था। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज़ है, नहीं हुई? गुड। अब हम निकालेंगे डेल्टा एनजी क्या है बच्चों, यहाँ पे बताना मुझे। -2 आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी। अब बच्चों काम की चीज, ये 250 किस में आ रखा था, किलो जूल में। आर की वैल्यू जूल वाली उठाइए तो बाय 10 रेज़ टू 8, दैट विल गिव अस डेल्टा एच कंबशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता दो। नहीं, 298 लेंगे बेटा, नॉर्मली नॉट पूछा गया होगा। 298 उठा रहे हो, जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो उठाए, जो 300 है वो बता देगा। कई बार क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, मैं ये अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें टेम्परेचर 298 के हिसाब से दे रखी, और उसके बाद तुम्हें सीपी दे रखा है किसका, प्रोड्स का और रिएक्टेंट्स का, और हमें पूछा गया फाइंड डेल्टा एच एट 400 केल्विन से। तो कैसे करोगे, यहाँ से जो सारा डेल्टा एच निकलेगा वो किस पे निकलेगा, 298 पे। फिर तुम वहां पे फॉर्मूला लगाओगे किरचॉस वाला, कि डेल्टा एच एट 400 माइनस डेल्टा एच एट 298 इज इक्वल टू डेल्टा सीपी T2 माइनस T1। क्वेश्चन बन सकता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज है, नहीं हुई? अभी मैंने टेम्परेचर 298 उठा के सॉल्व कर दिया, मैं मान के रहा हूँ कि हमें डेल्टा एच कंप्रेशन पूछा गया था 298 के लिए। जहां तक तो कोई डाउट किसी भी बच्चे को, ये बॉम्ब कर रहे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, हाँ या ना, क्लैरिटी आ गई? अच्छा गाइस एक चीज और, कोई पूछे तुमसे क्वेश्चन के अंदर, फाइंड डेल्टा एच व्हेन 2 मोल ऑफ CH4 इज बर्न, डेल्टा एच निकालो व्हेन 2 मोल ऑफ CH4 इज बर्न। वहां पे मैं कहूंगा कि या तो तुम कहोगे सर डेल्टा यू रिएक्शन निकालते हैं 2 मोल के लिए, फिर डेल्टा एच रिएक्शन निकालते हैं 2 मोल के लिए। मैं कहूंगा ना, ऐसे मत करो, बॉम कैलोरीमीटर से 1 मोल के लिए सारा निकाल दो और फिर बाद में ×2 कर दो। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों? दैट इज इजियर वे आउट, रेदर देन डेल्टा एनजी में जाके मरना, डेल्टा यू में जाके मरना और फिर डेल्टा एच को निकालना। इससे बेटर ये है कि 1 मोल के हिसाब से निकाल लो एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारे को मोल दे रखे हैं उससे, कि डेल्टा एच अगर 1 मोल के लिए इतना है तो बाकी के लिए कैन इजिली कैलकुलेट। समझ में आया या नहीं आया? आ गया, वेरी नाइस। बॉम कैलोरीमीटर इज ओवर, अब आते हैं रेजोनेंस एनर्जी। हाँ बेटा क्या है, क्या कह रहे हैं बच्चा? हाँ इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, क्लियर है गाइस? अच्छा एक चीज बच्चों, तो सपोजिंग ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि अगर तुम्हारा कंपाउंड दे रखा है, मतलब कोई कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड है एंड वी आर नॉट गिवन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो बेटा उसके अंदर तुम डेल्टा एनजी तो निकाल ही नहीं पाओगे। डेल्टा एनजी तो तब निकाल पाओगे जब तुम्हें कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, बैलेंस इक्वेशन दे रखी है। शांति, तो आइडिया क्या है, इन दैट केस तुम डेल्टा एच और डेल्टा यू को बराबर मान, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना तुम्हें, उन्हें तुम्हें डेल्टा यू तो तुम निकाल लोगे, डेल्टा यू तुम्हारा निकल गया, डेल्टा यू से डेल्टा एच ही नहीं जा पाओगे बिकॉज यू आर नॉट गिवन द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दैट यू बर्न। तो इन दैट केस डेल्टा एच और डेल्टा यू को क्या कर दो, सेम मार्क। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई मेन्स में आ रखे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो जाता है। हाँ अपनी तरफ से हम सेम मान लेंगे, वी डोंट आर्ग्यू अबाउट इट, कि यार मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, हम कर देंगे आंसर निकाल लेना का। इसके अंदर ये नहीं होता फिर कि ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, लाओ मार्क्स मिल जाएंगे बाद में, ना। यू हैव टू सॉल्व एंड गेट आंसर, व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गेट आंसर यूजिंग दैट। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर यहाँ पे हमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर डी किया, नहीं, मैं बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट बस लिख रहा हूँ,
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा इन जी आर डी क्या था? इसकी जगह अगर मैं डेल्टा ऑफ पी वी यूज करता तो डू यू रियलाइज यहाँ पे वी डेल्टा पी बनने वाला था एक्सप्रेशन। हाँ है ना, कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वुड हैव बीन वी डेल्टा पी अगर हम पी वी को यूज करने की कोशिश कर रहे होते। क्लियर हुई ये चीज़ें? नहीं हुई? गुड ग्रेट। मतलब यहाँ पे अगर हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना होता रेदर देन डेल्टा एन जी आर डी, वी वुड हैव यूज वी डेल्टा पी। रेजोनेंस एनर्जी पे आते हैं, क्या दिस पार्ट इज डन। रेजोनेंस एनर्जी को देखो क्या, पहली चीज हमें बताया रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। ये चीज पता है नहीं बताया? सारी कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ रेजोनेंस एनर्जी इज व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। कुछ समझ में आया नहीं है? एंड नोट, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा हीट क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। तो गाइस रिएक्शन की टर्म्स में सोचा जाए तो बेटर रहेगा। रिएक्शन की टर्म्स में कैसे सोचेंगे हम? हम कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म टू रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो रिएक्शन है ना, इसका डेल्टा एच इज रेजोनेंस एनर्जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म टू रेजोनेंस हाइब्रिड, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? पहले ये बताओ। ये मैंने रिएक्शन लिख दिया ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए कुछ चीजें बताने के लिए कि गलती ना हो क्वेश्चन में मैंने ये रिएक्शन बना दिया। ऐसे देखो इसका डेल्टा एच क्या आने वाला है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी। हम कहेंगे हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल फॉर्म से, ये हमें पता है। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव आएगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। रिएक्टेंट साइड की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज। समझा नहीं समझेगा? क्लियर हो गया? तो दैट इज व्हाई मैंने उसको इस रिएक्शन को, मतलब रेजोनेंस एनर्जी की रिएक्शन को ये लिखा है। अब कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पे आते, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी बेटा कैसे निकल के आता है वो समझो। पहली चीज हैस लॉ, हैस लॉ से अगर तुम डेल्टा एच निकाल रहे हो वो निकलता है एक्चुअल स्ट्रक्चर का, दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर तुम बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा एच निकालते हो तो वो देता है हमें कैनोनिकल फॉर्म का डेल्टा एच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? एंड दिस इज थियोरेटिकल, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर का था, ये थियोरेटिकल है। दैट वॉज एक्चुअल, दिस इज थियोरेटिकल, जो कि हमारा कैनोनिकल फॉर्म के बारे में डेल्टा एच दे रहा हो। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा होगा, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दैट। ऐसे समझो, एग्जाम्पल लेके बताता हूं। हमने बेंजीन उठाया, बेंजीन में हम ऐसे बॉन्ड बनाते, मैंने तुम्हें बताया भी था शिफ्टिंग भी हो जाती है बॉन्ड की। क्या एक्चुअल ये है या हर एक जगह पार्शियल डबल है? एक्चुअल तो पार्शियल डबल है ना। हमने कहा सपोजिंग बॉन्ड एनर्जी से कर रहे हैं, हम कहेंगे तीन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, तीन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन। तो उसने जो कैनोनिकल फॉर्म उठाई ना, जब हमने बॉन्ड एनर्जी से निकाला कि जो प्रोडक्ट बना, जब बेंजीन बना, तो तीन डबल बॉन्ड तीन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, दैट इज बॉन्ड एनर्जी से निकाला और उसने कैनोनिकल फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया है।
एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तो है ही नहीं। व्हाट यू हैव गॉट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसकी वैल्यू, उसके लिए वैल्यू आ रही है हैस लॉ से, और ये जो हमारा कैनोनिकल फॉर्म है उसकी वैल्यू आती है बॉन्ड एनर्जी। मतलब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा एच निकालोगे अलग आएगा, और हैस लॉ से डेल्टा एच निकालोगे अलग आएगा, क्योंकि हैस लॉ देगा एक्चुअल स्ट्रक्चर की बॉन्ड है मतलब डेल्टा एच रिएक्शन, और बॉन्ड एनर्जी देगा कैनोनिकल फॉर्म की डेल्टा एच रिएक्शन। क्लियर हुई ये चीज़ें? नहीं हुई? क्वेश्चन से क्लैरिटी और बढ़ेगी। अभी रुक जाओ, जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आने वाला। तो लेट अस स्टार्ट। नहीं, हमें कैसे निकालना है हैस लॉ और बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा एच फॉर द बिजली रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे उसे देख। पहला आते हैं यूजिंग डेल्टा एच फॉर्मेशन। अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस हमें दे रखा है, दो तरीके से दे रखा है, एक बार हैस लॉ से एक बार बॉन्ड एनर्जी से। तो बच्चों फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हम रिएक्टेंट से क्या बनाना चाह रहे हैं, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट से क्या बनाना चाह रहे हैं, कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस। अब गाइस ये जो कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है, या तो इसका हाइब्रिड क्या निकलेगा रिएक्टेंट से, हाँ यूजिंग डेल्टा एच फॉर्मूला, और दूसरा तरीका क्या है कि तुम निकालो यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। अगर तुमने हैस लॉ से एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट से कंपाउंड बनाया, अ कंपाउंड विच शोज रेजोनेंस, तो ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच हैस होगा नहीं होगा? होगा, डेल्टा एच रिएक्शन निकाला हमने यूजिंग हैस लॉ, और यहां से क्या निकालोगे बच्चों, ये कैसे निकल के आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी से। अब वैसे फर्क नहीं पड़ता, सपोजिंग ये वैल्यू आई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये वैल्यू आई 298, ये आई 200, एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्लियर है गाइस, या 300 फॉर दैट मैटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम कहोगे सर फर्क क्या पड़ता है, हम किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, इट मेक्स नो डिफरेंस। तुम सीधा कहो कि ये क्या है बेटा, ये हमारी रेजोनेंस एनर्जी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं काम करता हूँ ये वैल्यूज बाद में लेता हूँ, अब ये समझाता हूँ। ये दो वैल्यूज निकल के आ गई, ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, हमने हैस लॉ से निकाला, हमने बॉन्ड एनर्जी से निकाला। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, कौन से एरो की चाहिए, दिस और दिस, ये वाला चाहिए नहीं चाहिए? वी नीड कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड, आए ना बेटा? क्या आने वाला है हमारा, डू यू रियलाइज दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। एरोज को देखो, डू यू रियलाइज बॉन्ड एनर्जी प्लस रेजोनेंस एनर्जी शुड बी इक्वल टू यूजिंग हैस लॉ, हाँ या ना? क्या हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी प्लस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है बच्चों, इट इज डेल्टा एच फॉर हैस लॉ माइनस डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन विल गिव अस रेजोनेंस है। क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई, हाँ है ना? एरो से समझ में आ गया कि हमने हैस माइनस बॉन्ड एनर्जी विल गिव अस रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर? अब एक चीज और देखो, मैं वैल्यूज के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आया 298, यहाँ पे आया 300, तो रेजोनेंस एनर्जी कितना निकल के आएगा बच्चों, हैस लॉ से हमने रिएक्शन डेल्टा एच फॉर्मेशन देखा तो इट वाज 298, बॉन्ड एनर्जी से देखा इट वाज 300, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर रेजोनेंस एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी -2, आए ना? क्लियर है यहाँ तक? अब तुम कहोगे सर इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं कि हैस माइनस बॉन्ड करे या बॉन्ड माइनस हैस करे, काम करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी मैग्नीट्यूड आया हमारा उसके आगे नेगेटिव साइन लगाए थे। सपोजिंग यहाँ पे तुम्हें एक एक्स दिया होता, एक वाई दिया होता, तो बेटा उसमें एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स में तो बहुत फर्क है ना, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि एक्स माइनस वाई रेजोनेंस एनर्जी है या वाई माइनस एक्स रेजोनेंस,
इसलिए मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि हेस माइनस बॉन्ड करोगे तो तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी आए। ये तब है जब हमारा प्रोडक्ट, जब द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये हमने ऐसी रिएक्शन देखी है जिसमें जो हमारा कंपाउंड है जो रेजोनेंस शो कर रहा है वो प्रोडक्ट साइड में। अब कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन रिएक्टेंट साइड। क्लियर है गाइस? यहां तो कोई डाउट? आते हैं सेकंड, डेल्टा एच कंबशन या डेल्टा एच यूजिंग डेल्टा एच कंबशन या डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन यूजिंग डेल्टा एच कंबशन और डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन तुम्हें नहीं पता होगा बच्चों। हाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, जैसे एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन का ऐड होना टू गिव एल्कीन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड होना, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एल्कीन या एल्काइन गिविंग एल्के। क्लियर है गाइस? आइडिया इज यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है दैट इज शोइंग रेजोनेंस और उसको हम हाइड्रोजन ऐड करके या बर्न करके CO2 और H2O वगैरह बना रहे। मतलब डू यू रियलाइज इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इनमें द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, उसको हमने बर्न किया या उसको हमने हार्जिनेट किया। क्लियर और नॉट? हाँ, ये कंबशन है, कंबशन या हार्जिनेशन में द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, उसको बर्न कर रहे हैं या उसको हम हार्जिनेट करें। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? क्लियर हो गया? तो हम आते हैं कैनोनिकल फॉर्म, या एक काम करते हैं पहले रेजोनेंस हाइब्रिड और आते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड से हम क्या बनाना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज? ये हमारा क्या है बच्चों? डेल्टा एच हैस। कैनोनिकल फॉर्म से हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। दिस इज डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। हमें रिएक्शन क्या चाहिए बच्चों, बताना जरा? हमें रिएक्शन ये वाली चाहिए, हमें चाहिए कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैन आई से ओवर हेयर रेजोनेंस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हैस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। डू यू रियलाइज दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस? हाँ या ना? तो यहां से रेजोनेंस एनर्जी क्या आ रही है बच्चों? डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी माइनस डेल्टा एच है। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? वो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स इज द वन जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर हमें वैल्यूज पता हो तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके आगे नेगेटिव साइन दे मारेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर एक्स माइनस वाई माइनस या वाई माइनस एक्स है देन यू आर कंफ्यूज के क्या किया जाए। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि जब रिएक्टेंट साइड में है तो हमारा क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला सिनेरियो, और जब प्रोडक्ट साइड में है तो ये वाला सिनेरियो। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? हो गया? जैसे क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ बेटा, एक पॉलीमराइजेशन थी उसका भी एक क्वेश्चन था बच्चों। देखो, हमें बेंजीन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दे रखी है। तो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन मैं हमें कह रखा है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हमें कह रखा है डेल्टा एच वॉज एक्स। ठीक है बच्चों? फिर हमें कहा गया है इसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज वॉज वाई। व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन? बड़ा वियर्ड क्वेश्चन लग रहा होता है क्योंकि ये रियलाइज ही नहीं होता कि हमें कैनोनिकल फॉर्म का कैसे निकाल। गैस इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो एक्स है ये हमारा हेस लॉ वाला है। हाँ है ना?
भाई एक्चुअल जो भी बेंजीन का स्ट्रक्चर था उसको हमने हाइड्रोजनेट करके साइक्लोहेक्सेन बना दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? ये जो एक्स ही हमारा क्या है बच्चों, हेस लॉ से बॉन्ड एनर्जी से क्या होना चाहिए वो हमें सोचना पड़ेगा। हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी से क्या होगा गाइस, यार अगर एक चीज सोचो, एक डबल बॉन्ड को अगर हाइड्रोजनेट करने में, हाइड्रोजन ऐड करने में बाय एनर्जी का एक्सचेंज आया, तो अगर मैं तीन लेता यहाँ पे तो एनर्जी का एक्सचेंज कितने का आना चाहिए था? थ्री वाई का आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? ये हमारा क्या आ गया, बॉन्ड एनर्जी से हाइड्रोजनेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये जो थ्री वाई है ये हमारी किसकी है? ये है हमारी कैनोनिकल फॉर्म का हार्ड, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एक डबल बॉन्ड से अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारे तीन डबल बॉन्ड से इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। एक्चुअली वो तीन डबल बॉन्ड है ही नहीं, वो पूरा पार्शियल डबल बॉन्ड है। नहीं बेटा, हम कहेंगे, मैं भी बताता हूं, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा, कि जो पहले वाला थ्री वाई है दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी से निकाला, और ये जो हमारा निकल क्या है डेल्टा एच जो एक्स है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड का है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने अज्यूम किया ना कि एक डबल बॉन्ड से अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो तीन डबल बॉन्ड से इतनी रिलीज होनी चाहिए। एक्चुअली तो तीन डबल बॉन्ड है ही नहीं, हमारे पास पार्शल डबल बॉन्ड नेचर है। क्लियर है गाइस? तो ये जो हमारा सी वाई है दैट इज योर, दैट इज वॉट गाइस, जो थ्री वाई है दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी से निकाला हो एंड एक्स इज योर हाइब्रिड से निकाला हो। अब बताओ मुझे एक्स माइनस सी वाई होगा या वाई माइनस, मतलब थ्री वाई माइनस एक्स? हमें चाहिए ये एनर्जी गाइस, प्रॉड दोनों में सेम है। बताओ गाइस, बच्चों बताओ गाइस, गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज गोइंग टू बी गाइस थ्री वाई माइनस। कितने बच्चों को इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं? वेरी नाइस, हुआ या नहीं हुआ गाइस? क्लियर हो गई ये चीज क्रिस्टल? ओके, हमें चाहिए था ये एनर्जी, हमें चाहिए थी ये एनर्जी होती। वी नो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो वी गॉट थ्री वाई माइनस एक्स एज अवर आंसर। ठीक है, इट गुड हैव बीन। और ये कब है? जब हमारा कंपाउंड इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, प्रॉड साइड में, जो कि नॉर्मली फॉर्मेशन रिएक्शन में देखा जाएगा, तब हम क्या कर देते? हाँ, हैस माइनस बॉन्ड कर देते। हाँ है ना बच्चों? कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को? ग्रेट, अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया, वी आर डन विद दिस पार्ट। इसके क्वेश्चंस अभी करेंगे थोड़ी देर। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन सर देखो बच्चे। ऊपर स्क्रॉल कर, हाँ बेटा, नोट इट डाउन, मैंने वाई और एक्स से ही लिया था, ये एक्स लिया था और ये वाई लिया था। हाँ कर लो नोट, नोट हो गया बेटा। राघव बेटा कर लिया नोट या कर रहे हो यस अभी? सर। ओके ओके फाइन गाइस, आवाज मुझे अभी यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों, पहले ये बताओ मुझे, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी आप। ठीक है बच्चों, इन दोनों के ही। ओके, एंड दैट बी ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसके क्वेश्चन तो वहीं पे शीट में है। मेरा पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हमारा बॉन्ड टूटता है एंड यू गेट अ चेन, जल्दी आ रही है वो चेन का,
हमने एन मॉलिक्यूल लिए इथीन के, इथीन में डबल बॉन्ड था, हमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाने की कैपेसिटी रख रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसको इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, एंड वी मेड एन। वही मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, क्या ये सी एच टू सी एच टू है। मैंने इसका एन में बता रहा हूँ, ये चीज समझ आ रही है कि डबल का सिंगल हो गया। अब दोनों ही कार्बन एक और बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसी एक और यूनिट आई सी एच टू सी एच टू। अब इसने इसके बाद बॉन्ड बना दिया, ये आगे एक और सी एच टू यूनिट के बाद बॉन्ड बनाएगा, ये इधर एक और सी एच टू यूनिट के बाद बॉन्ड बनाएगा, तो उसको मैंने एन लिख दिया। नहीं, वो एन बता रहा है कि एन यूनिट्स है, एन हमने इथीन लिए, उससे एन यूनिट्स ऐसी बनी। कौन सा सिंबल, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब है ये यूनिट रिपीट होती जा रही, ऐसी रिपीटिंग एन यूनिट्स है, क्योंकि हमने एन इथीन मॉलिक्यूल लिए, उनका हमने एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल कर दिया, और वो जो सिंगल है वो एक्सटेंड करे जा रहा है दोनों साइड। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा बच्चों, क्लियर हो गया? अब इसमें जो डेल्टा एच पॉलीमराइजेशन है वो क्या होता है, उसमें हम एक यूनिट के हिसाब से सोचेंगे बच्चों। बॉन्ड एनर्जी से निकालेंगे हम इसका आंसर, बॉन्ड एनर्जी हम कहेंगे प्लस, एक सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक किया, हाँ है ना, क्लियर है गाइस? चार सी सिंगल बॉन्ड एच ब्रेक करें, अब एनर्जी रिलीज क्या होगी? यहां पे समस्या आती है, क्या समस्या आती है कि सी सी बॉन्ड कितने उठाएं, देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सी सी बॉन्ड हम कितने उठाएं, सी एच बॉन्ड तो तुम्हें दिख रहे हैं चार, सी सी बॉन्ड में अंडरस्टैंड करो गाइस, हम यहाँ पे दो के बजाय भी कंसिडर हुआ है तीन, मतलब यहाँ पे देखो एक तो बीच में है, बीच वाला तो कंसिडर करना ही है, यहाँ पे इधर भी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी एक्सटेंड कर रहा है ना, हम इसमें से एक उठाएं, वी विल कंसिडर वन व्हेन वी आर लुकिंग एट द बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि अंडरस्टैंड करो कि सी एच टू सी एच टू ये यूनिट थी, इसने इधर भी बनाया इधर भी बनाया, लेकिन रिपीट तो तुम ऐसे मान के चलो, ये इसके बाद ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना लेगा ना यहाँ पे। तो बेसिकली डू यू रियलाइज कि हम इस तरीके से दो बॉन्ड कंसिडर करें रेदर देन थ्री, थ्री में तो एक रिडंडेंसी आ गई, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड रिडंडेंट आ रहा है। जब तुम चेन को रिपीट कर रहे थे तो तुम एक साइड की चेन को कंसिडर कर लो रेदर देन बोथ साइड। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि इसका जो ये वाला एंड है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका एंड इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड लाइक दैट। क्लियर हुई ये चीज़ है, नहीं हुई गाइस? पहले ये बताओ, क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, मतलब यहाँ पे हम टू सी सिंगल बॉन्ड सी उठाएंगे और चार सी सिंगल बॉन्ड एच उठाएंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? दिस इज योर डेल्टा एच पॉलीमराइजेशन, डेल्टा एच फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज दिस। इंपॉर्टेंट चीज बस यही थी कि हम एक सी सिंगल बॉन्ड सी उठाएं या दो उठाएं या तीन उठाएं, हमने दो उठाएं। क्लियर है गाइस? जो चेन एक्सटेंड हो रही है वो एक साइड से, मतलब एक का जो एंड है वो दूसरे वाले का तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड बना लेगा। गाइस ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ, कितने बच्चों को इसमें डाउट, मान लिया? वेरी गुड, एक और लेते हैं, एन टू प्लस एच टू गिविंग एन एच, एन एच एन। तो क्या करोगे बच्चों यहां पे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन इंटू वन प्लस एच सिंगल बॉन्ड एच इंटू वन, क्योंकि ये ऐसे बैलेंस होगा, हाँ है ना? तो ऐसे मान के लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन एन, लेकिन हम एक ही हिसाब से कर रहे होते, क्लियर है गाइस? एन इक्वल टू वन के हिसाब से सॉल्व किया जाता है, माइनस टू एन एन प्लस टू एन एच।
चीज समझ आई या नहीं आई पहले ये बताओ, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, 2NN था, दैट वाज इंपॉर्टेंट। एक NN बॉन्ड ये और एक NN बॉन्ड ये बच्चे, हाँ है ना? ये वाला फिर दूसरे वाले की इस एंड का तो अपने आप कनेक्ट हो ही जाएगा, हो गया नहीं हो गया? क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे गाइस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बता दूं, क्वेश्चन से पहले यहाँ पे मैं लिख दूं, ये जो थर्मल कैपेसिटी था ना हमारा, कहाँ लिखा है मैंने, हमें थर्मल कैपेसिटी दे रखा। थर्मल कैपेसिटी की बजाय यू कैन ऑल्सो भी गिवन द स्टेटमेंट कैलोरी मीटर कॉन्स्टेंट, तो तुम कैसे याद रखोगे? तुम उसकी डायमेंशन देख के याद रखोगे कि ये क्या दे रखा है। एज लॉन्ग एज इट इज एनर्जी पर केल्विन, एज लॉन्ग एज इट इज एनर्जी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, यू कैन अंडरस्टैंड हमें थर्मल कैपेसिटी दे रहा है। इट माइट ऑल्सो बी रिटन एज कैलोरी मीटर कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज, कोई डाउट नहीं? ओके क्वेश्चन में आते, मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन साइक्लो एक्सिस जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे है, ये दे रखा है हमें -156। डेल्टा एच फॉर्मेशन बेंजीन इज गिवन टू अस +49। डेल्टा एच फॉर्मेशन हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सी -119, ये सारी यूनिट दे रखी है इन किलो जूल पर मोल। हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है किसकी बच्चों? बेंजीन। ठीक है गाइस, फाइंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये वही क्वेश्चन है जो एक्चुअली हमने किया था, एक्सेप्ट की एक्स और वाई की वैल्यू पकड़ा रखी है इन अ वे। इन अ वे का मतलब समझो गाइस, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये दोनों दे रखे हैं। फॉर्मेशन का मतलब उनकी एंथैल्पी दे रखी है। तो गाइस एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लिख दे बेंजीन, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होगी, ये होगी या नहीं होगी गाइस? हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ऐड किया टू गिव साइक्लोहेक्सीन, ये हमें कितनी दे रखी है गाइस? इसकी डेल्टा एच निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? बताओ बच्चों डेल्टा एच क्या आएगा इसका, इसका डेल्टा एच क्या आने वाला है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, डू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी -156 साइक्लोहेक्सीन माइनस ऑफ बेंजीन विच इज 49। ये आएगा नहीं आएगा बच्चे? गुड, हमें साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? ये हमें दे रखा है एज 119, 119 एनर्जी इज रिलीज। एक और चीज बच्चों, कंबशन और हाइड्रोजनेशन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबशन एंड हाइड्रोजनेशन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नोट इट डाउन, कहीं लिख लो, मैं लिख दूं नोट, डेल्टा एच कंबशन एंड डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन आर ऑलवेज, हाँ बेटा, ऑलवेज नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो बच्चों ये एनर्जी हमें कितनी दे रखी थी गाइस? 119। अब हमें हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड का तो पता है, क्या पता है बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड का तो हाइड्रोजनेशन हमें पता है कितना है, -156 -49। कैनोनिकल फॉर्म का कैसे निकालोगे? इंटू थ्री कर दें, अगर एक से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो इससे इंटू थ्री इतनी रिलीज होनी चाहिए,
ये किसका आ रहा है बच्चों? ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म का आ रहा है गाइस। ये तो हमारा अजम्पशन है ना बच्चों कि अगर एक डबल बॉन्ड से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो तीन से इतनी रिलीज होनी चाहिए। अब बताओ मुझे रेजोनेंस एनर्जी कितना आएगा? रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है गाइस? दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? एरो से देखो प्रॉड तो दोनों में सेम है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर और नॉट? तो इसको मैं लिख देता हूं, ये है हमारा हेस, ये है हमारा बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच आ गया, रेजोनेंस एनर्जी आ गया। कितना आएगा बच्चों हमारा? इज गोइंग टू बी व्हाट गाइस? बताओ बच्चों, बॉन्ड माइनस वो आएगा बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? किसी बच्चों को डाउट यहाँ? ये आसान क्वेश्चन था, रिलेटिव टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि इस टाइप का तुमने देखा नहीं, जो मैंने पढ़ाया था उसके ऊपर एग्जैक्टली बेस्ड है नहीं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों। अब आते हैं एक बहुत ही घटिया क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, घटिया नहीं कहूंगा मैं, लंबा सॉल्विंग वाइज बहुत लंबा क्वेश्चन। आइसोप्रीन दे रखा है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन होता है ये बच्चों। रेजोनेंस शो करेगा ये, बताना बच्चों। क्वेश्चन भी लंबा है, फाइंड रेजोनेंस एनर्जी। ओ भाई सर, मुझे बताओ करेंगे कैसे इस क्वेश्चन? मैं बताऊंगा, ये सारा डाटा यूज में आने वाला। एक चीज देखो बच्चों, कंबशन ऑफ आइसोप्रीन दे रखा है, कंबशन ऑफ कार्बन मतलब CO2 का एंथैल्पी दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है कंबशन मतलब एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है हमें, एंथैल्पी हाइड्रोजन वाटर का दे रखा है, एंथैल्पी CO2 का दे रखा है और कंबशन ऑफ आइसोप्रीन दे रखा है। यहां से फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकलाएगा नहीं निकलाएगा? सोच के बताओ, CO2 की एंथैल्पी दे रखी है, H2O की एंथैल्पी दे रखी है, कंबशन ऑफ दिस कंपाउंड दे रखा है आइसोप्रीन, क्या इससे तुम तो एंथैल्पी ऑफ आइसोप्रीन ही निकाल सकते? कंबशन रिएक्शन लिखो और निकल जाएगी। ये हमारा आएगा एंथैल्पी ऑफ आइसोप्रीन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन। क्लियर है गाइस? एंथैल्पी ऑफ आइसोप्रीन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन, ये किस टाइप की है? मतलब ये हैस वाला है या बॉन्ड एनर्जी वाला है? हमने हैस लॉ से निकाला है ना, ये डेल्टा एच हैस है जिसमें हमारा प्रोडक्ट में कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है। अब हम यही रिएक्शन का
फॉर्मेशन रिएक्शन का निकालेंगे डेल्टा एच यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, और फिर हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन है हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी विल गिव अस रेजोनेंस। आई एम प्रेटी श्योर एक दो को छोड़ के सबको समझ नहीं आया हो, ओके कुछ समझ आया है ना, करते हैं। एक तो मैं आइसोप्रीन का फॉर्मूला लिख दूं, C5H स्टार्ट करते हैं, C5H8 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, 5 4 7, क्लियर है गाइस? हम कहेंगे 5 टाइम्स, मैं वैल्यू लिखता हूँ सीधा, -C186, ये एनर्जी किसकी है बच्चों, कंबशन रिएक्शन की है, इट विल बी 5 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CO2 विच इज -393.5 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -285.83 माइनस एक्स, ये एक्स क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ C5H8 या एंथैल्पी ऑफ C5H8, क्लियर है गाइस? गुड, तो मैं कहता हूं ये जो है C+H2 गिविंग C5H8, सी सॉलिड प्लस H2 गैस, 5C+4H2 गिविंग C5H8, इसका डेल्टा एच क्या है बच्चों, एक्स है। ये हमारा ये जो C5H8 है ये क्या है बच्चों, रेजोनेंस हाइड। अब यही वैल्यू यही इसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, क्या आने वाला है बच्चों, जरा मैं वैल्यू उठा लूं, इसी का डेल्टा एच निकाल दें हम यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, इज गोइंग टू बी 5 × 718.3। सॉलिड को गैस भेज दिया, कार्बन सॉलिड को सब्लाइम कर दिया, फिर 4H2, HH की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 435.8 माइनस, अब हमारा कंपाउंड बनेगा जिसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कहाँ गया, अच्छा ये रहा कंपाउंड, 2C डबल बॉन्ड C है, 2C सिंगल बॉन्ड C है, तो 2 डबल बॉन्ड C, 2 × 615 प्लस 2 सिंगल बॉन्ड C, 2 × 348, एंड यू हैव गॉट 8CH बॉन्ड, 8 × 413। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये हमने जो दो हमने एनर्जीज निकाली है, एक एक्स और एक ये दोनों क्या है, एक में रिएक्टेंट गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड है, एक में रिएक्टेंट गिविंग कैनोनिकल फॉर्म, हाँ है ना, ये एक्स सी और ये डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी है, हमें पूछा गया है ये क्या, ये क्या आएगा बच्चों, एक्स माइनस डेल्टा एच बॉन्ड है, हाँ है ना, दिस इज योर रेजल्ट। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? बेटा रिएक्टेंट तो हमारे पास कार्बन एंड एच टू था, ये जो एनर्जी हमारी निकल के आई थी एक्स वाली, ये रेजोनेंस हाइब्रिड की थी, और ये जो हमने निकाला इतना गंदा एक्सप्रेशन, ये बॉन्ड एनर्जी था, और हमें लुक एट द एरोस, दिस दिस एंड दिस, ठीक है क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जाए, या फिर फैट के तौर पे याद रख लो कि जब तुम्हारा जब कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस, प्रोड साइड में तो हेस माइनस बॉन्ड करो, रिएक्टेंट साइड में तो बॉन्ड माइनस हेस कर दो। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों, ये बताओ, आ गई पक्का? वेरी गुड गाइस, वी आर डन विद द थ्योरी पार्ट, नाउ लेट अस गो ऑन द क्वेश्चन पार्ट बच्चों। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे तुम? हाँ बेटा कुछ नहीं कह रहे थे।